कि आप जानते हैं कि हम इंसान और हमारा ये यूनिवर्स एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इसलिए चरक संहिता में कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि हम जैसा है ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जैसे हैं हम। और मॉडर्न नॉलेज के हिसाब से भी यही माना जाता है कि मैन इज द एपिटमी ऑफ यूनिवर्स, और हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलकर ठीक ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे कि स्टार और गैलेक्सीज मिलकर इस यूनिवर्स का। और जिस तरह यूनिवर्स में स्थित हर एक चीज एक वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, ठीक उसी तरह हमारा ब्रेन भी कुछ फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है जिन्हें ब्रेन वेव्स कहा जाता है। और यही ब्रेन वेव्स तय करते हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, और हमारा कॉन्शियस लेवल क्या है, और हमारा दिमाग कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। एक इंसानी दिमाग 5 प्रकार के ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करता है, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। और क्या आप जानते हैं कि बीटा ब्रेन वेव स्टेट में हमारे दिमाग में लगभग 48 से 60 थॉट्स पर मिनट आते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक स्टडी, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में एक दिन में आने वाली थॉट्स की संख्या लगभग 60,000 से 80,000 होती है। और अगर आप 48 से 60 के बीच की कोई भी संख्या लेकर कैलकुलेशन करोगे तो उसका रिजल्ट आपको 60,000 से 80,000 के बीच ही मिलेगा। इसमें आप अपने सोने के समय को भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि सोने के दौरान थॉट्स कम हो जाते हैं लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होते। सो इस चीज से एक बात प्रूफ होती है कि एक नॉर्मल इंसान का दिमाग ज्यादातर समय बीटा स्टेट में रहता है, और इसी वजह से इतनी ज्यादा थॉट्स के चलते हम किसी भी चीज पर ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर अल्फा स्टेट की बात करें तो जब हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है तब हमारे दिमाग में एक मिनट में लगभग 30 थॉट्स ही आते हैं, इसलिए अल्फा स्टेट को इतनी पावरफुल स्टेट कहा जाता है। इसी तरह से थीटा स्टेट में हमारे ब्रेन में लगभग 15 विचार ही आते हैं और डेल्टा स्टेट में लगभग 10 विचार, यानी कि सोने के दौरान भी हमारे दिमाग में विचार आते ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि केवल मेडिटेशन से ही हम अपने दिमाग को विचार शून्य कर सकते हैं, इसलिए योगी जैसा कहते हैं कि निर्विचार में ही ईश्वर बसते हैं। सो अगर आपने किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर कोई और तरीका, अगर आपने किसी भी तरीके से अल्फा ब्रेन वेव की स्टेट में रहना सीख लिया तो इस चीज का मतलब समझते हैं आप। सबसे पहले तो आपके ब्रेन में आने वाले 70,000 विचारों की संख्या घटकर 30,000 से 35,000 हो जाएगी, और इसके चलते आपका दिमाग इतना पावरफुल हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी चीज आपके दिमाग के सामने टिक नहीं पाएगी। इस स्टेट में आने के बाद आप जो भी काम करोगे उस वर्क में आपका दिमाग इतनी फोर्स लगा देगा, इतनी एनर्जी लगा देगा कि उस काम के रिजल्ट देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपका दिमाग इतना शांत रहने लगेगा, आपके दिमाग में इतने क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में एक श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, यानी कि वेद ही सभी धर्मों के मूल आधार हैं। धर्म का यहाँ मतलब है नेचुरल लॉज, और अनंता वेदा, यानी कि वेदों का कोई अंत नहीं है। इसलिए सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद से मैं आपको ब्रेन की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसे जानने के बाद आप दंग रह जाओगे और आप बस यही सोचोगे कि क्या क्या छुपा है हमारे इन वेदों में। लेकिन उससे पहले जानेंगे हम ब्रेन वेव्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है गामा ब्रेन वेव्स। गामा ब्रेन वेव्स इंसान के ब्रेन में बनने वाली सबसे पावरफुल ब्रेन वेव्स होते हैं, इसलिए गामा ब्रेन वेव्स को जीनियस ब्रेन वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि गामा ब्रेन वेव्स की स्टेट में हम सुपर कॉन्शियसनेस, यानी कि इस पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। देखो, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ कोई वर्क करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा जहाँ कोई और विचार दिमाग में ना आए, या फिर मेडिटेशन के दौरान जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, तब ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सिंक्रोनाइज होने लगते हैं, और जब सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ब्रेन गामा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है। इस स्टेट में पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक साथ काम करने लगते हैं, और हमारे शरीर के लोअर चक्रास में पड़ी एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, और ब्रेन में पाए जाने वाले थैलेमिक गेट को ओपन करते हुए पीनियल ग्लैंड को हिट करती है, जिसके चलते पीनियल ग्लैंड एक बहुत ही पावरफुल केमिकल DMT रिलीज करती है, जिसे गॉड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। और इस केमिकल के रिलीज होते ही हमारा दिमाग सुपर कॉन्शियसनेस के क्षेत्र में पहुंच जाता है। सुपर कॉन्शियसनेस मतलब इन्फिनिट इंटेलिजेंस, और इस स्टेट में पहुंचने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दिमाग अचीव ना कर सके। इसलिए निकोला टेस्ला ने कहा था कि माई माइंड इज ओनली द रिसीवर, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द यूनिवर्स। लेकिन इस स्टेट को अचीव करना उतना भी आसान नहीं है जितना इस वीडियो में लग रहा होगा। हार्ड वर्क के बाद एक इंसान इस स्टेट तक पहुंच पाता है। सेकंड है बीटा ब्रेन वेव्स। बीटा ब्रेन वेव्स दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है लोअर बीटा ब्रेन वेव्स। क्या आप जानते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जैसे ही हम लाइट के संपर्क में आते हैं, हमारा ब्रेन सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रिलीज करने लगता है, और ब्रेन बीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है ताकि हम अपने इनर वर्ल्ड से निकलकर बाहर की दुनिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें। बीटा स्टेट में आने के बाद ब्रेन सारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है ताकि हम डिसीजन ले सकें।
सेकंड है हाई बीटा ब्रेन वेव्स। आज पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग ओवरथिंकिंग के शिकार बने हुए हैं और इसी ओवरथिंकिंग के चलते आज पूरी दुनिया में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। देखो, हमारे दिमाग की एक स्टेट होती है DMN, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। इस स्टेट के चलते हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, बार बार एक ही जैसे विचार ब्रेन में आते ही रहते हैं और इतने ज्यादा विचारों के चलते ब्रेन हाई बीटा ब्रेन वेव्स प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे हमारी स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ने लगती है। स्ट्रेस के बढ़ते ही हमारे ब्रेन का एक हिस्सा अमिगडाला, जो फाइट और फ्लाइट यानी कि लड़ो या तो भागो वाली सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और अमिगडाला के एक्टिवेट होते ही हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे दिमाग की सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल लोग कितने ज्यादा इंटॉलरेंस होते जा रहे हैं, छोटी छोटी बात पर एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों का दिमाग ज्यादातर हाई बीटा ब्रेन वेव्स स्टेट में रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल 15 दिन मेडिटेशन करने के बाद अमिगडाला का साइज घटने लगता है, साथ ही साथ डिफॉल्ट मोड नेटवर्क के तार भी ढीले पड़ने लगते हैं, इसलिए मेडिटेशन को इतना पावरफुल कहा जाता है। नेक्स्ट है अल्फा ब्रेन वेव्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी ये पृथ्वी 7.83 हर्ट्ज की एक फ्रिक्वेंसी रिलीज करती है, जिसे श्यमन रेजोनेंस कहा जाता है। और इस 7.83 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के बिना इस धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। इसलिए जब एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं तो अपने साथ श्यमन रेजोनेंस जनरेटर लेके जाते हैं, ताकि स्पेस शिप में 7.83 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करके अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नॉर्मल रख सकें। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे ब्रेन की अल्फा ब्रेन स्टेट लगभग श्यमन रेजोनेंस यानी कि 7.83 हर्ट्ज से मिलती है, और यही वो स्टेट होती है जहां से हमारी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। क्योंकि इस स्टेट में आते ही हमारे दिमाग में आने वाली थॉट्स की संख्या कम और कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वो इंसान जो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करता हो, जैसे कि एक योगी, उस इंसान का ब्रेन हमेशा अल्फा ब्रेन वेव्स या उससे कम फ्रिक्वेंसी वाली स्टेट में ही रहता है। नेक्स्ट है थीटा ब्रेन वेव्स। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी एक वीडियो फ्लो स्टेट क्या होती है उसमें बताया था कि जब हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा गहरा होता है यानी कि जब हम फ्लो स्टेट में होते हैं, तब हमारा ब्रेन थीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में होता है, जिसके चलते हमारा अपनी आसपास की दुनिया से संपर्क टूट जाता है और हमारा दिमाग कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू कर देता है जिससे ब्रेन की इंटेलिजेंट और इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थीटा ब्रेन वेव्स को सबकॉन्शियस माइंड का गेटवे भी कहा जाता है। इसलिए थीटा ब्रेन वेव्स स्टेट में किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर बोले गए अफर्मेशंस, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठते हैं। इसलिए सेल्फ हिप्नोसिस में थीटा ब्रेन वेव्स का यूज किया जाता है। और थीटा ब्रेन वेव स्टेट मेडिटेशन की सेकंड लास्ट स्टेट होती है। इस स्टेट के बाद इंसान डेल्टा ब्रेन वेव यानी कि समाधि में चला जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करते समय योगीज या ऋषिज के हाथ इस तरह से क्यों होते हैं? असल में इस पोस्चर को ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहा जाता है, और इस मुद्रा का कनेक्शन डायरेक्टली हमारे ब्रेन के साथ होता है। ज्ञान मुद्रा हमारे अनाहत चक्र में एनर्जी को कंट्रोल करता है, और अनाहत चक्र का संबंध हमारे शरीर में पाए जाने वाले तीन दोषास वाता पिता और कफा में से वाता दोषा से होता है, और वाता दोषा संबंध हमारे विचारों से होता है। इसलिए ज्ञान मुद्रा हमारे शरीर के वाता दोष को कंट्रोल करती है, जिससे हमारे दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या कम हो जाती है, जिससे एक योगी बहुत जल्दी ही थीटा मेडिटेशन यानी कि डीप मेडिटेशन में चला जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान मुद्रा लगाने से इंसान की इंटेलिजेंट बहुत शार्प होती है। मुद्रास पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा विद साइंटिफिक रिसर्च। नेक्स्ट है डेल्टा ब्रेन वेव्स। जब हम बहुत ज्यादा गहरी नींद में होते हैं, तब हमारे ब्रेन में डेल्टा ब्रेन वेव्स डोमिनेंट होती हैं। गहरी नींद में सोया हुआ इंसान और समाधि में गया हुआ योगी के बीच में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर फर्क होता है तो बस इतना कि गहरी नींद में हम बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, जबकि समाधि में डूबा हुआ साधु अपने इनर वर्ल्ड में कॉन्शियस होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब पूरी दुनिया सोती है तब एक योगी जागता है, यानी कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद में बेहोश होकर सोती है, उस स्टेट में भी योगी अपनी पूरी चेतना के साथ जगा हुआ होता है। समाधि सच में एक बहुत हाईएस्ट ऑर्डर है जिसे बहुत कम लोग ही अचीव कर पाते हैं। सो ये तो हुआ ब्रेन वेव्स के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन ब्रेन वेव स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं बाइनरल बीट्स के बारे में। बाइनरल बीट्स आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि अगर आप यूट्यूब पर बाइनरल बीट्स सर्च कर लो तो आपको लाखों वीडियोस ये दावा करते हुए मिल जाएंगे कि फोकस बढ़ाना है तो ये वाली बाइनरल बीट सुन लो, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो ये वाली सुन लो, और तो और भाई अगर आपको बुद्धा जैसा एनलाइटनमेंट चाहिए तो वो बाइनरल बीट्स भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग प्रॉपर रिसर्च किए बिना ही और ये जाने बिना ही कि बाइनरल बीट्स किस तरह से हमारे दिमाग को डैमेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक स्टडी दिखाता हूँ जो साइंटिस्ट ने बाइनरल बीट्स पर वेल रिसर्च करने के बाद पब्लिश किए हैं। ये फर्स्ट स्टडी नीदरलैंड के लाइडेन यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट ने कंडक्ट की थी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों के EBR यानी कि आई ब्लिंक रेट कम थे, उन्हीं लोगों को अल्फा और गामा बाइनरल बीट्स से कुछ बेनिफिट हुए थे। और इस रिसर्च में ये भी साफ लिखा है कि जिन लोगों के EBR
ज्यादा थे। इंडिविजुअल विद हाई EBRs वर अनअफेक्टेड और इवन इम्पेयर्ड बाई बोथ अल्फा एंड गाबा बाइनॉरल बीट्स। और इस रिसर्च में ये भी लिखा है कि बाइनॉरल बीट्स हर इंसान पर एक जैसे काम नहीं करती। अब आप सोच रहे होंगे कि EBR यानी कि आई ब्लिंक रेट का बाइनॉरल बीट्स से क्या लेना देना है, तो मैं आपको एक और साइंटिफिक स्टडी दिखाता हूँ जिसे कंडक्ट किया था अमेरिकी संस्थान NCBI ने, जिसमें साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों की EBR कम थी वो लोग प्रेशर को अच्छे से हैंडल कर पाए एज कंपेरिजन टू उन लोगों के जिन लोगों के EBR ज्यादा थे। देखो, जो हम बार बार पलक मारते हैं उसका सीधा संबंध हमारे ब्रेन के डोपामाइन जो कि एक बहुत पावरफुल केमिकल है उससे होता है। इस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कभी, लेकिन यहां मैं आपको बाइनॉरल बीट्स की एक वेबसाइट दिखाता हूं जिस पर बाइनॉरल बीट्स को लेकर मेडिकल वार्निंग साफ साफ लिखी हुई है कि यूजिंग प्रोडक्ट दैट स्टिमुलेट थीटा ब्रेन वेव्स इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पीपल विद ADD। ADD मतलब अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, यानी कि वो लोग जो ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए थीटा बाइनॉरल बीट्स यूज करना खतरनाक हो सकता है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बाइनॉरल बीट्स यूज करना कितना रिस्की हो सकता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बाइनॉरल बीट्स के फायदे नहीं होते, बेशक फायदे होते होंगे, लेकिन शॉर्टकट यूज करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास इस बाइनॉरल बीट्स से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, जैसे कि मंत्रा। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में 33 कोटी देवी देवता हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं। जो हम नहीं जानते हैं वो है इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे की साइंस। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारे रिलीजन में हर एक देवी देवता किसी न किसी चीज से जुड़े हुए होते हैं और उनसे जुड़ा हुआ होता है एक मंत्र, जैसे कि देवी सरस्वती ज्ञान और बुद्धि से, देवी लक्ष्मी धन और दौलत से, ऐसे ही सो एंड सो फॉर। देखो, मंत्र का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता क्योंकि मीनिंग केवल हमारे दिमाग के लिए होते हैं। यूनिवर्स का मीनिंग से कुछ लेना देना नहीं होता। यूनिवर्स का मतलब होता है वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी से। और जब हम मंत्र पढ़ते हैं सो उस मंत्र के साउंड से जो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी हम प्रोड्यूस करते हैं वो यूनिवर्स से ठीक वही चीज मैनिफेस्ट करती है जो कि उस मंत्र से जुड़ी हुई होती है। इसलिए हर देवी देवता एक स्पेसिफिक चीज से जुड़े होते हैं और उनसे जुड़ा हुआ होता है एक मंत्र। और जब हम वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो एक स्पेसिफिक चीज जो उस मंत्र से जुड़ी होती है हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का उच्चारण एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि उच्चारण के गलत होते ही उस मंत्र से निकलने वाली वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसीज ही चेंज हो जाएंगी और तब आप उस पर्टिकुलर एनर्जी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। मंत्र अपने आप में एक बहुत पावरफुल चीज है। मंत्र आपकी भौतिक और स्पिरिचुअल लाइफ को इस तरह से चेंज करने की ताकत रखते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। चाहे कोई भी मंत्र हो उससे पहले ओम का उच्चारण जरूर किया जाता है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तब ओम मूलाधार चक्रा से शुरू होता है और सबसे लास्ट चक्रा जो हमारे ब्रेन में होता है सहस्रा चक्रा पर जाकर ओम के उच्चारण का अंत होता है। इसलिए ओम के उच्चारण से सारे चक्रास ओपन होने शुरू हो जाते हैं और एनर्जी ब्रेन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए ओम को इतना पावरफुल मंत्र माना गया है। ओम के अलावा और भी काफी पावरफुल मंत्र हैं, जैसे कि गायत्री मंत्र, जिनके उच्चारण मात्र से आप अपनी लाइफ में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। नेक्स्ट है राग। हमारे चार वेदों में से एक वेद है सामवेद, जिसमें संगीत साहित्य के बारे में बताया गया है। सामवेद के भी उपवेद गंधर्व वेद में राग के बारे में बताया गया है। जिस तरह से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं ठीक उसी तरह से संगीत में 7 स्वर होते हैं और वो 7 स्वर हमारे किसी न किसी चक्र से जुड़े होते हैं और इन्हीं स्वरों से मिलाकर ऋषि मुनियों ने रागों को बनाया है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि हमारे शरीर में 3 मुख्य एनर्जी होती है, वाता, पिता और कफा। और हर एक एनर्जी का एक टाइम होता है जब वो एनर्जी हमारे शरीर में प्रबल होती है। जैसे कि सुबह में 2 बजे से 6 बजे तक हमारे शरीर में वाता एनर्जी प्रबल रहती है, 6 बजे से 10 बजे तक कफा और 10 बजे से 2 बजे तक पित्ता। इस प्रकार से ये साइकिल पूरे दिन चलता है। इसीलिए इन्हीं एनर्जी और दिन शुरू होने से रात होने तक जो वातावरण में चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पर राग को बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मूलाधार चक्र के लिए होता है हंस ध्वनि राग, जिसको सुना जाता है केवल और केवल इवनिंग में। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए होता है यमन राग, जिसे केवल शाम को ही सुना जाता है। मणिपूर्णा चक्र के लिए होता है मलकर्ण राग, जिसकी टाइमिंग होती है नाइट। अनाहत चक्र के लिए होता है अहीर भैरव, इसकी टाइमिंग होती है मॉर्निंग। विशुद्धि चक्र के लिए होता है देश राग, जिसकी टाइमिंग होती है इवनिंग। अग्नि चक्र के लिए होता है भागेश्वरी राग और इस राग की टाइमिंग होती है नाइट। ऐसे ही सहस्रा चक्र के लिए होता है दरबारी राग और इसकी टाइमिंग होती है नाइट। अब इसके अलावा एक चक्र के लिए एक से ज्यादा राग हो सकते हैं और जिनकी टाइमिंग भी अलग अलग हो सकती है। मैंने कुछ वेबसाइट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से राग और उसकी टाइमिंग को चेक कर सकते हैं। सो इसलिए राग भी बहुत पावरफुल होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करने के लिए। अगर आप साइंटिफिक भाषा में भी बात करें तो राग बहुत ही पावरफुल टेक्निक है हमारी ब्रेन वेव्स को चेंज करने के लिए। दुनिया में ज्यादातर लोग दिन भर हाई बीटा ब्रेन वेव्स की स्टेट में रहते हैं, यानी कि अशांत, एजिटेटेड और इंपल्सिव। लेकिन जब हम राग सुनते हैं तो हमारी ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाती हैं और हम धीरे धीरे
अल्फा ब्रेनवेव स्टेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद थीटा और फिर डेल्टा। सो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको राग जरूर 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 सुनने चाहिए, क्योंकि राग आपकी मेडिटेशन प्रोग्रेस की स्पीड को दुगना कर देंगे। नेक्स्ट है विश्वनाथ ध्यान, एक बहुत ही पावरफुल बुक है एकाग्रमन। उस बुक में इस मेडिटेशन के बारे में दिया गया है। इस मेडिटेशन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन सच में विश्वनाथ ध्यान मेडिटेशन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में से एक है। देखो ज्यादातर टाइम हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं, जिसके चलते हम अपना ज्यादातर टाइम प्रेजेंट मोमेंट में ना रहकर अपने दिमाग में ही रहते हैं। और जैसे ही आप इस मेडिटेशन को करना शुरू करोगे, आप इंस्टेंटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। और जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगाना शुरू करोगे, तुरंत आपकी ब्रेन वेव्स स्लो होना शुरू हो जाएंगी। इस मेडिटेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने आसपास के सूक्ष्म यानी कि हल्की से हल्की आवाज को सुनना है बस। और जैसे ही आप अपने आसपास की आवाजें सुनना शुरू करोगे तो आप तुरंत ही प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। उसके बाद आपको बस इतना करना है कि धीमी से धीमी आवाज को सुनना है। जैसे शुरुआत में आपको तेज साउंड सुनाई देंगे, उसके बाद आपको धीरे धीरे हल्की से हल्की आवाजें भी सुनाई देने लगेंगी। ऐसा कहते हैं कि इस ध्यान में मास्टर होने के बाद इंसान अपने हार्ट बीट की भी आवाज को सुन सकता है। और जब ये ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा तो आपको अनहद और नाद यानी कि यूनिवर्स के साउंड जैसे कि ओम का साउंड भी सुनाई देने लगेगा। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।